होली हंस भी हम हैं। तो होली हंस कौन, किसको कहते बाबा? हंस क्या करता है? मोती चुगता है और पत्थर छोड़ देता है। तो होली हंस कौन है? बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि उनको व्यर्थ मालूम नहीं पड़ता है, जो व्यर्थ उनको सामने दिखाई पड़ता है, व्यर्थ बातें सुनने में आती हैं, व्यर्थ उनको देखने में, सुनने में, अपने इर्द गिर्द के वातावरण में उसकी महसूसता आती है। किंतु होली हंस क्या करते हैं? व्यर्थ को तुरंत समर्थ में बदल देते हैं। अपने अंदर भी जो पुराने अनेक जन्मों के संस्कार स्वभाव के वश व्यर्थ चलता है, उसको भी तुरंत समर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और वायुमंडल से किसी भी प्रकार का व्यर्थ ग्रहण नहीं करते। अगर कुछ व्यर्थ देखा, सुना और फिर हमने उसका मन में चिंतन किया तो क्या हुआ? हमने उस व्यर्थ को ग्रहण कर लिया, हमने उस व्यर्थ को बढ़ावा दिया। उससे क्या होगा? धीरे धीरे आत्मा की शक्तियां क्षीण पड़ती जाएंगी, आत्मा कमजोर की कमजोर रह जाएगी। तो व्यर्थ दिखने में दिखाई देगा, सामने सामने, लेकिन उसको तुरंत समर्थ में परिवर्तन करना ये बहुत बड़ी कला है जो होली हंस बच्चों के अंदर होती है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होती है जिसके अंदर गुण अथवा विशेषताएं ना हो। तो उन्होंने समर्थ देखने का चश्मा पहना हुआ होगा। व्यर्थ उनको दिखाई देते हुए भी जैसे दिखाई नहीं देगा।